विकास, गरीबों के मकान बन रहे हैं। अकेले रायबरेली जनपद में 50,000 गरीबों को एक एक मकान मिले हैं। परेशान है ये, पैसा कहां से आ गया? मैंने कहा कि देखो तुम तो दंगाई हो, केवल आग लगाना जानते थे। तुमने जिंदगी भर केवल अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुम्हारा नाम समाजवादी गलत है, तुम्हारा नाम तो दंगावादी होना चाहिए था, परिवारवादी होना चाहिए था। और इनको नया नाम अगर देना है भाइयों बहनों, तो आपने रामायण सीरियल देखा है ना, वहां एक पात्र का नाम है लंकेश, सुना है ना? लंकेश का हर विजयादशमी को पुतला फूंकते हैं, मालूम है ना? और ये जो लोग हैं दंगा कराने वाले, इनका नाम क्या पड़ेगा? लंकेश। दंगा कराने वाले क्या नाम पड़ेगा इनका? लंकेश को वोट देंगे? राम भक्तों की ही सरकार बननी चाहिए। आपने अयोध्या में कराया, काशी में कराया, वृंदावन में कराया, हमने भी कराया। मैंने कहा गांव गांव में, मैंने कहा गांव में कहां? तुम्हारे समय बिजली नहीं आती थी, सड़क नहीं बनती थी, पानी नहीं मिलता था, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, विकास कहां है? साहब ये विजन हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने एक जगह विकास कराया। मैंने कहा कहां? कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई है। क्या विकास था इनका? कब्रिस्तान की। तो इनको बोलिए कि वोट भी वहीं से दीजिए। और भाइयों बहनों हमसे बोलते हैं ये पैसा आपके समय कहां से आया? मैंने कहा देखो हम तब एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं ना, हाईवे बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, उसके लिए एक उपकरण की आवश्यकता है और उसका नाम है बुलडोजर। आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जब बनी, बुलडोजर अच्छा धड़धड़ा करके चला एक्सप्रेस हाईवे ना। लेकिन एक हाथ से बुलडोजर चलाते हैं, दूसरे हाथ से वही बुलडोजर दूसरी तरफ से चलता है, तो माफिया की छाती को रगड़ते हुए उसकी अवैध। इस पैसे से गरीब को राशन दिया जाता है, आपके घरों में बिजली पहुंचाई जाती है, हाईवे एक्सप्रेस वे बनता है, मेडिकल कॉलेज बनता है, पॉलिटेक्निक बनता है, और बेटियों के लिए स्कूटी भी इसी से आएगा, हर घर में रसोई गैस का सिलेंडर भी इससे पहुंचेगा। सहमत है ना? दमदार सरकार, दमदार सरकार तब जब सलोम सीपा या सोनी जैसे विधायक बनेंगे।